बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हुई है और इनकी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों का रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने IED ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। यह आतंकी हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच हुआ। सूत्रों के मुताबिक यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। इसी मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने वाहन पर बम फेंका था। IG सुंदरराज पी ने कहा कि मौके पर सीनियर ऑफिसर्स भेजे गए हैं, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। उपस्थिति का सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में DRG गाड़ी को ID के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन ID के चपेट में आ गए थे, उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट पार्टी CRPF DRG घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है।